नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 मिलियन और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड अंतर्गत बसुआ गांव में पॉकेट खर्चा नहीं देने से नाराज भतीजे ने अपने ही चाचा की ईंट पत्थर से मार मार कर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद आरोपी भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक के भाई का कहना है कि मेरा भाई सौ परिवार दिल्ली में रहते थे, एक दिन पहले ही दिल्ली से अपने गांव आए थे और आज ये घटना घट गया। मौके पर औराई थाना पहुंचकर घटना का मुआयना किया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, पुलिस प्रशासन और परिवार के लोग घटना के बारे में क्या बता रहे हैं। सर ठाकुर जी, दिल्ली से अपने घर आए थे और बगल में भोज खाकर अपने घर सोने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में इनका भतीजा मनोहर ठाकुर रास्ते में घर के आगे ईंट पत्थर एवं डंडा से मारकर हत्या कर दी। कैसे घटना क्या, वो कल शाम में आए दिल्ली से, चचा भतीजा था, वो दोनों आदमी में आपस में कुछ हुआ होगा बोल, उसके बाद रात में ये घटना हुआ। क्या किया? मार दिया चचा को, बांसों से मार के। क्या नाम था मृतक का? चंद्रेश्वर ठाकुर। घर कहाँ है? बसुआ। मारने वाला क्या? मनोहर। उसका भी घर वही है, भतीजा है। भतीजा हाँ। कहाँ की घटना है ये? अढ़ाई थाना बसुआ गांव। बसुआ कब की है? रात की है। आप कौन हुए? हम छोटे भाई हैं मृतक के। क्या लगता है कैसे ये हत्या, कौन विवाद में हुआ? अब विवाद की बात कैसे कहें, रात शाम में तो आए हैं दिल्ली से। कोई विवाद भी इससे पूर्व हुआ? नहीं, वो तो यहाँ 3-4 साल पर तो आवे किए हैं। दिल्ली रहते थे? हाँ। मृतक दिल्ली रहते? हाँ। क्या करते थे वहाँ? नौकरी पैसा, पूरा परिवार वहीं रहता है। नौकरी है? हाँ, वो सरकारी नौकरी? नहीं, प्राइवेट, पूरा परिवार रहता है वहीं। कितना उम्र रहा होगा? 70 के आसपास। 70। गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ, गिरफ्तारी हो चुकी। हाँ, हो चुकी। हम छोटे भाई हैं मृतक के। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार।